त्रिपुरा घटना का असर इतने बड़े पैमाने पर एक ही दिन में पूरे राज्य भर में मोर्चे निकाले गए, देश भर में समाज को उकसाया गया। षड्यंत्र के तहत झूठी जानकारी के आधार पर मोर्चा किसके आयोजन पर निकाला गया उसकी पहले जांच होना जरूरी है। आंदोलनकारियों की इसके पीछे की भूमिका क्या थी, महाराष्ट्र में तथा देश भर में अराजकता फैलाने की थी क्या, दंगा करने के लिए मोर्चा का आयोजन किया गया था क्या, इसका मास्टरमाइंड कौन था, सभी मोर्चे की जांच होना जरूरी है, ऐसी मांग पत्रकार परिषद द्वारा विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस इन्होंने की है। जो घटना घटी मूल रूप से 12 तारीख को एक मोर्चा यहां पर निकला, त्रिपुरा में जो घटना ही नहीं घटी, ऐसी घटना को फेक क्रिएटिव्स के माध्यम से लोगों में फैलाकर एक मोर्चा निकाला गया, किंतु मैं इस मोर्चे को एक बड़े षड्यंत्र का भाग मानता हूँ, क्योंकि एक ही समय महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न शहरों में इतने बड़े बड़े मोर्चे निकलते हैं, इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई मंशा है, कोई ना कोई प्लानिंग है, जिसके कारण ये मोर्चे निकले। और मोर्चे समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से लोगों को टारगेट किया गया और विशेष रूप से एक धर्म के लोगों को उनके दुकान तोड़े गए, उनके ऊपर हमले किए गए, इस घटना के कारण 13 तारीख को उसकी एक रिएक्शन आई। इस रिएक्शन का भी हम समर्थन नहीं करेंगे, कोई हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन 13 तारीख की घटना को 12 तारीख के मद्देनजर ही देखना पड़ेगा। 12 तारीख की घटना को डिलीट कर रहे हैं और केवल 13 तारीख की घटना को हाईलाइट कर रहे हैं, ये गलत है। 12 की घटना ही 13 की घटना का जड़ है और जिस प्रकार से उस घटना के बाद एकतरफा कार्रवाई हो रही है, एकतरफा लोगों के ऊपर ऑफेंसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, जो मौका वारदात पर नहीं है, जिसने कोई ऑफेंस किया नहीं है, ऐसे लोगों को पकड़ के 307 लगाया जा रहा है, लोगों के बेल होने के बाद रोज नए ऑफेंसेस लगाए जा रहे हैं, एक ही व्यक्ति पर 4-4 पुलिस स्टेशन में सेम ऑफेंस लगाया जा रहा है, तो एक प्रकार से दमनकारी नीति ये सरकार की ओर से की जा रही है। पुलिस प्रशासन जो है, ये पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से दबाव में दिखाई पड़ता है और लिस्ट तैयार कर करके केवल हिंदुत्ववादी संगठनाएं या बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग, ये चाहे स्पॉट पर हो चाहे ना हो, उनको अरेस्ट करना, इस प्रकार का जो काम चल रहा है हम उसकी निंदा करते हैं। हमारा सीधा मानना है अगर किसी ने दंगा किया है तो ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर इस प्रकार से निरपराध लोगों के ऊपर और केवल एक विचार के साथ जुड़े हैं इसलिए अगर कार्रवाई होगी तो हमको भी रास्ते पर उतरना पड़ेगा। सारे के सारे बीजेपी के लोग एक साथ जाकर जेल भरो करेंगे, क्योंकि अगर सरकार की मंशा यही है कि हम लोगों को जेल में डालना है तो हमारे लोग भी उसके लिए तैयार है। पर हम ये चाहते हैं कि अमरावती और महाराष्ट्र में शांति बनी रहे, अमन चैन बना रहे, कोई भी अलग अलग विचारों के धर्मों के लोग एक दूसरे के सामने ना आए और इसी में सबकी भलाई है। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, 12 तारीख की घटना के पीछे का षड्यंत्र ये जब तक आप नहीं ढूंढोगे तब तक 13 तारीख की घटना तक आप नहीं पहुँच पाओगे, इसलिए षड्यंत्र को भी सरकार को ढूंढना पड़ेगा और बिना किसी राजनीति के इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये हमारी मांग। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए राजेंद्र वाटा ने अमरावती।